नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आजाद समाज पार्टी से। जैसा कि आपको मालूम होगा, दिल्ली में आजाद समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर ने कहा था कि आजाद समाज पार्टी दिल्ली के नगर निगम चुनाव में भाग लेगी, यानी कि दिल्ली के जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं वो आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। और दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कोर कमेटी को पूर्ण तरीके से भंग कर दिया है। उत्तराखंड की जो आजाद समाज पार्टी की कमेटी है उसे भी भंग कर दिया गया है। राजस्थान की जो आजाद समाज पार्टी की कमेटी है उसे भी भंग कर दिया है। और माना जा रहा है कि अन्य राज्य की जो कमेटियां हैं उन्हें भी जल्द से जल्द भंग किया जाएगा आजाद समाज पार्टी की, क्योंकि सभी कमेटी का पूर्ण गठन करना है, यानी कि फिर से गठन करना है और आगे की तैयारियां करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि अब हम दिल्ली चुनाव, यानी कि दिल्ली नगर निगम चुनाव से लेकर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव तक हर चुनाव लड़ेंगे और आजाद समाज पार्टी सतत प्रयास करेगी कि अच्छे से अच्छा करे और बहुजन समाज की आवाज उठाए। इसको देखते हुए दोस्तों, कुछ राज्यों की कमेटियां और नेशनल कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी की उसे भंग किया गया है, इसे पूर्ण गठन किया जाएगा। आप क्या कहते हो इस रणनीति को लेकर, नीचे कमेंट करें। बाकी नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी का क्या भविष्य है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहा करिए भारत।